हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पंजाब एसआई एग्जाम में पूछे जाने वाले दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड। एक तो है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी। देखिए, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा। किसी भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, किसी भी टॉपिक को मिस मत करिएगा और हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज बहुत ही डिटेल में पढ़िएगा, तभी जाकर आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले पाएंगे। देखिए, एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है और एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा और पूरी ताकत लगा दीजिए कि आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, ताकि आप जिस समय एग्जाम के बाहर निकलें आपको यही लगना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन 101% होगा ही होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने पूरा 100% देंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई भी टॉपिक मिस हो रहा है, या आपको लगता है कि पूरा फुल कॉन्फिडेंस कंप्यूटर में नहीं आ रहा है, तो ये सही टाइम है। एक बार आप फटाफट एक बार रिवाइज कर पाएंगे टॉपिक्स को, मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर का आपने अभी तक स्पेशल बैच ज्वाइन नहीं किया है पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए, चाहे वो एसआई का सिलेबस हो, पंजाब पटवारी हो, पंजाब जेल वार्डर का हो, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक हो या पंजाब टेक्निकल असिस्टेंट हो, किसी भी एग्जाम को अगर कंप्यूटर के नज़रिए से देखें तो ये एक परफेक्ट बैच है। सिर्फ 500 रुपीज़ आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं और ज्वाइन कर लेना है इस बैच को। बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके पास तुरंत एक मेल आ जाएगा जहां से आप सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ भी डिस्कशन करना हो तो आप प्लीज एक बार कॉल जरूर करिएगा या व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं इस बैच के बारे में, या कोई भी आपको पढ़ाई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल गाइडेंस हमसे इस पे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए। और ट्राई करिएगा यहाँ पर कि आप जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उनको थोड़े सी इंटेलेक्चुअल लेवल पे आंसर करिएगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए पहला क्वेश्चन, द टेक्निक दैट इंक्रीजेज द सिस्टम प्रोडक्टिविटी। कह रहा है उस टेक्निक का नाम बताइए जो सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब सिस्टम की परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी कब इंक्रीज होगी, जरा सोच के देखिए। मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में, मल्टी थ्रेडिंग के केस में, मल्टी प्रोसेसिंग या सिंगल प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम की प्रोडक्टिविटी तब तेज मानी जाएगी जब एक सीपीयू लगा हो और हम उस एक सीपीयू से, एक प्रोसेसर से मैक्सिमम काम करवा रहे हैं, तभी तो हम कहेंगे कि ये काफी प्रोडक्टिव काम है। तो ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें सीपीयू एक होता है और उससे हम मैक्सिमम काम करवा रहे होते हैं और सीपीयू को बिल्कुल भी आइडल नहीं होने देते, क्योंकि रैम के पास में सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे ही रैम से एक एक प्रोसेस सीपीयू में जाता है और सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, वहीं दूसरा प्रोसेस तैयार होता है सीपीयू में जाने के लिए। तो सीपीयू पूरा इसमें बिजी रहता है और ये स्टेज कहलाती है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग होगा, जहां पर सीपीयू तो एक है लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडल नहीं होने दिया जाता है। एक के बाद एक रैम में प्रोसेस होते हैं जो सीपीयू को असाइन किए जाते हैं और इसी स्टेज को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आप कहेंगे कि सर मल्टी प्रोसेसिंग भी तो हो सकता था। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा सीपीयू या प्रोसेसर का इस्तेमाल करना। तो जब हम एक से ज्यादा सीपीयू यूज कर रहे हैं तो उसको हम प्रोडक्टिव नहीं कहेंगे। प्रोडक्टिव हम उस केस को बोलेंगे जहां पर सीपीयू एक है लेकिन उससे हम मैक्सिमम काम करवा ले रहे हैं। समझ में आ गई बात। मल्टी थ्रेडिंग का केस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपने कोई एक ब्राउजर ओपन किया हुआ है, साथ में एमएस वर्ल्ड पर भी काम कर रहे हैं, एक्सेल पर भी काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पर भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट भी चला रहे हैं,
तो ये एक तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। अगर सीपीयू एक है तो, अगर सीपीयू ज्यादा हो जाएंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं और एक्सेल में फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्कशीट का यूज कर रहे हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री पर काम कर रहे हैं, या कोई फॉर्मूला या फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये सब एक तरीके से थ्रेडिंग है। या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो ये थ्रेड है। यानी किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर अलग अलग थ्रेड होते हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन अलग अलग एप्लीकेशंस पर काम करना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर कर पाएंगे, है ना? तो ये जरूरी याद रखिएगा। दी वर्चुअल मेमोरीज, कह रहा है वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि रैम को लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा मेमोरी है। क्यों? क्योंकि रैम का साइज कम होने पर भी रैम काफी सारी स्पेस उधार मांग लेती है हार्ड डिस्क से, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो आंसर आपको क्या लग रहा है, यहां पर क्या होना चाहिए? आंसर है एन एल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। यानी ये एल्यूजन होना, ये भ्रम होना कि मेरे पास बहुत ज्यादा मेमोरी है, जबकि मेमोरी तो उसके पास लिमिटेड है। लेकिन रैम क्या करती है, अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेमोरी कहाँ से ले लेती है? हार्ड डिस्क से, जैसे कि दिखाया भी गया यहाँ पर, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग, यू कैन रीसेट इट यूजिंग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है अगर कंप्यूटर या लैपटॉप की सिस्टम में जो डेट और टाइम लिखकर आती है अगर वो गलत है तो उसको कैसे रीसेट करेंगे, बताइए। आप जानते हैं रीसेट करने के लिए टास्क बार में डेट और टाइम जो दिखती है उस पर क्लिक कर दीजिए, वहां से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि कंट्रोल पैनल में जाइए, डेट और टाइम के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, यानी डेट और टाइम को बदल सकते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, राइट कैलेंडर, राइट फाइल या कंट्रोल पैनल। बिल्कुल सही आंसर है यहां पर कंट्रोल पैनल। तो हमने आपको क्या बताया कि कंट्रोल पैनल ओपन करना है, और देखिए कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद में डेट और टाइम इस नाम से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक कर दिया तो सेकेंड डेट और टाइम वाली आपके सामने एक पेज अपीयर हुआ, जिसके थ्रू आप सेटिंग्स में जाकर इसकी डेट और टाइम को बदल सकते हैं, जो रियल डेट और टाइम है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम पर काम करता है? रियल टाइम मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसी समय, यानी टाइम के बेसिस पर, ऑन द स्पॉट, रियल टाइम पर काम करे। विंडोज 7, एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी या प्रोसेस कंट्रोल। तो इसका आंसर कैंडिडेट गलत ही लगाते हैं मैक्सिमम केसेस में। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो आप इसके आंसर में चकमा खा जाएंगे। और यहां पर बिल्कुल सही जो आंसर है वो है प्रोसेस कंट्रोल। ऐसा क्यों है, जानते हैं इसके बारे में। देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, पीसीबी के नाम से जाना जाता है, और यही किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकता है या रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकता है। इसलिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या प्रोसेस कंट्रोल को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसे कौन कौन सी ऑपरेटिंग हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं जो रियल टाइम पर काम करें। तो देखिए पूरी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है समझाने के लिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रियल टाइम पर काम करते हैं, जैसे डीओएस, एमबॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सेगर के द्वारा बनाया गया है, फ्री आरटीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अमेज़न का है, इंटीग्रिटी ऑपरेटिंग सिस्टम कील आरटीएक्स के नाम से, लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, एमक्यूएक्स, न्यूक्लियस, न्यूट्रीना, पाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ आरटीओएस, थ्रेडएक्स, यूसीओएस या माइक्रो कंट्रोलर
ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं, VxWorks या Zephyr। तो ये सारे आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके नाम शायद ही आप लोगों ने सुने हो, क्योंकि ये वैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े काम को करने के लिए, जैसे सर्वर बेस्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, या जितने भी रोबोट होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं, या नासा जैसी जगहों पर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं जो रियल टाइम पर काम करें। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कंट्रोल को यहाँ पर आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग काम नहीं करता है? विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP या MS-DOS? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, ये मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग नहीं है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, MS-DOS इज नॉट एक्चुअली अ मल्टी टास्किंग, जबकि विंडोज कुछ हद तक मल्टी टास्किंग होते हैं। और मल्टी टास्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से हैं, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है ना, तो ये सब आपके मल्टी टास्किंग फीचर ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज वर्जन सपोर्ट 64-bit प्रोसेसर। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा विंडोज का वर्जन है जो 64-bit प्रोसेसर पर काम करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP या विंडोज 95? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा विंडोज XP, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 64-bit प्रोसेसर पर काम करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और भी आता है कि विंडोज XP में XP की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा कि विंडोज XP में XP की फुल फॉर्म एक्सपीरियंस है। क्या है, एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स। कह रहा है कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता। तो नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडोज 2000 या विंडोज NT? करेक्ट आंसर है विंडोज 3.1। ये एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज या मैक? तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सुना होगा आपने, जानते होंगे आप, फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर है। लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन भी होते हैं, जैसे रेड हैट है, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सूस है, यूबियंटू है, फेडोरा है, ये सब आपके लाइनक्स के ही वर्जन है। लाइनक्स मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड जी के द्वारा बनाई गई ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1991 में 25 अगस्त 1991 को लाइनस टोरवाल्ड जी के द्वारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज। जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर ड्राइवर्स हमारे लोड हो जाते हैं। क्या रहा है कि मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स किस मोड में लोड होते हैं, सेफ मोड में, नॉर्मल मोड में, VGA मोड में या नेटवर्क सपोर्ट मोड में? और करेक्ट आंसर यहां पर होगा सेफ मोड में सेट ऑफ ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल होते हैं प्रॉपर तरीके से, तो सेफ मोड यहां पर बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए कभी कभी जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन होने में प्रॉब्लम हो रही होती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम को स्टार्ट करने में, तो वहां पर सेफ मोड एक बेस्ट ऑप्शन होता है। F8 प्रेस करके आप सेफ मोड में एंटर हो सकते हैं और एंटर होने के बाद मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स वहां पर एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विंडोज 11।
विंडोज 11, देखिए जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का वो विंडोज 11 ही है। तो विंडोज 11 के आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैक लाइक इंटरफेस, इंटीग्रेटेड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सेंट्रलाइज्ड टास्क बार या ऑल आर करेक्ट। देखो विंडोज 11 है ना, काफी मेहनत हुई है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में और माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द बेस्ट कह रहे हैं, वन ऑफ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो इसकी खास बात आपको क्या लग रही है कि कौन सा गलत होना चाहिए? मैक लाइक इंटरफेस यानी एप्पल का जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या वैसे ही है ये? आंसर है बिल्कुल सही, तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। इंटीग्रेटेड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, क्या यहाँ पर एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस भी रन हो पाएंगे? आंसर है बिल्कुल, यहाँ पर एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस भी आप रन कर सकते हैं विंडोज 11 में बिना किसी सॉफ्टवेयर के सपोर्ट के। सेंट्रलाइज्ड टास्क बार, क्या यहाँ पर जो टास्क बार है वो सेंट्रलाइज्ड यानी बीच में दी गई है? आंसर है करेक्ट, ये भी सही है, तो आंसर हो गया ऑल आर करेक्ट। देखिए ये खूबसूरत सा यूजर इंटरफेस दिया है विंडोज 11 के केस में, जहां पर मैक लाइक इंटरफेस भी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का सपोर्ट भी है और सेंट्रलाइज्ड टास्क बार भी है। तो ये है विंडोज 11 के इंपॉर्टेंट फीचर्स, इनको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी इज प्राइमरली अबाउट। अब साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, आपको बताना है कि साइबर सिक्योरिटी किस पर फोकस करती है? पीपल पे, प्रोसेस पे, टेक्नोलॉजी पे या ऑल ऑफ दीज पर? तो जब हम सिक्योरिटी फीचर ऑप्ट करते हैं तो पीपल से भी सिक्योरिटी फीचर ऑप्ट करते हैं, प्रोसेस भी सिक्योर हो, टेक्नोलॉजी वाइज भी सिक्योर हो, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ। साइबर सिक्योरिटी में हम किस चीजों से सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं इंटरनेट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि साइबर का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट पर सिक्योरिटी लगाना ही साइबर सिक्योरिटी है। ऑप्शन में क्या दे रहा है? इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, सही है। नॉन इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट से कनेक्ट सिस्टम को ही हमें सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट होती है और इसी को हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो फर्स्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इन जनरल हाउ मेनी की एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। यानी साइबर सिक्योरिटी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने की एलिमेंट्स हैं, कितने की फैक्टर्स हैं यहां पर? 1, 2, 3 या 4? तो याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में 4 इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं जिनमें साइबर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, इनको शॉर्ट में सिया बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी पहला, इंटीग्रिटी दूसरा, ऑथेंटिसिटी तीसरा और अवेलेबिलिटी ये है आपका 4th पॉइंट। तो यानी जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करेंगे कि डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए और उस डेटा की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन यू यूज द वर्ड इट मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम गेटिंग डिस्क्लोज्ड। कह रहा है अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? कॉन्फिडेंशियल है, इंटीग्रिटी है, ऑथेंटिकेशन है या अवेलेबिलिटी है? तो इसका मतलब होता है कि हमारा डेटा काफी कॉन्फिडेंशियल है और हम उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। तो व्हेन यू यूज कॉन्फिडेंशियलिटी इट मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम गेटिंग डिस्क्लोज। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, की लॉगर्स आर अ फॉर्म ऑफ। सुना होगा आपने की लॉगर्स का इस्तेमाल होता है एटीएम मशीन में भी, की पैड के नीचे की लॉगर जैसे टर्म यानी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जो आपके द्वारा कीज जो आप इनपुट करते हैं वो कीज को स्टोर कर लेता है और उसके थ्रू हैकिंग की जाती है। तो की लॉगर नाम का सॉफ्टवेयर भी है, की लॉगर नाम का हार्डवेयर भी होता है,
जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आपको बताना है कि की लॉगर क्या है, एक स्पाईवेयर है, एक शोल्डर सर्फिंग है, ट्रोजन है, सोशल इंजीनियरिंग है, क्या है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है की लॉगर एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब होता है जो छुपकर हमारी इंफॉर्मेशन को ले, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, विच फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन डज WPA यूज। देखिए WPA क्या होता है, अगर आपने राउटर में कभी कोई सेटिंग की हो तो आप जानते होंगे वहां पर आपको सिक्योरिटी ऑप्शन देता है WPA, जहां WPA1, WPA2, इसके कई सारे वर्जन भी हैं। अब यहां पर पूछ रहा है कि WPA के केस में कौन सी इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज होता है, और आंसर आप देख पा रहे हैं ये है TKIP का इस्तेमाल। WPA का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, और TKIP की फुल फॉर्म होती है टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा WPA की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और TKIP की भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी WPA के केस में अगर आपसे प्रोटोकॉल पूछें या इंक्रिप्शन पूछें तो आंसर क्या होगा, TKIP होगा, टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है आप लोग को बहुत प्रॉपर तरीके से, बताइए अगला क्वेश्चन। अ डैश कैन हाइड यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कह रहा है डैश कैन हाइड, ये यूजर की ब्राउजिंग की एक्टिविटी को हाइड कर देता है, यानी जो हम और आप ब्राउज करते हैं इंटरनेट पर, जो सर्च करते हैं, ये उन सबको हाइड कर देता है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, फायरवॉल, एंटीवायरस, इनकॉग्निटो मोड या VPN? अब यहां पर कैंडिडेट दो ऑप्शन में कंफ्यूज होता है। कुछ को लगता है इनकॉग्निटो मोड होना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू ब्राउजिंग एक्टिविटी हाइड होती है, और कुछ कैंडिडेट्स को ये लगता है कि VPN होना चाहिए, इसके थ्रू यूजर की ब्राउजिंग एक्टिविटी को हाइड किया जाता है। आप दोनों लोगों के दोनों जो तर्क यहां पर आप लोग दे रहे हैं है ना, ये दोनों सही हैं। लेकिन अब यहां पर आपको किसी एक पर टिक लगाना है, तो आंसर क्या होगा? देखो यहां ब्राउजर नहीं कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो ब्राउजिंग एक्टिविटी को छुपाता है। अगर ये होता तो आंसर होता इनकॉग्निटो मोड, क्योंकि आप गूगल ओपन करते हैं, फिर उसके बाद गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं तो इनकॉग्निटो मोड में आप एंटर हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ यूजर ब्राउजिंग एक्टिविटी को हाइड करने की बात की जाए और ब्राउजर ना पूछा जाए, तो इस केस में आंसर होगा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, VPN बनेगा। देखिए VPN में होता क्या है कि इंटरनेट पर एक सेफ सिक्योर तरीके से डेटा को ट्रैवल करवाया जाता है। यहां पर एक टनल बिछाई जाती है, इस टनल को PPTP के नाम से जानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, और इस टनल के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करवाया जाता है। अब डेटा ट्रांसफर करने में होता है कि अगर कोई हैकर है सपोज करो, तो वो इस डेटा को ले नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सेफ तरीके से ये डेटा ट्रैवल हो रहा है एक टनल की मदद से, एक VPN टनल है जिसको PPTP के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप लोग इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। डैश मास्क योर IP एड्रेस, कह रहा है IP एड्रेस की मास्किंग करने के लिए किसका यूज होता है। अब मास्क का मतलब क्या है, तो हम लोग जब मास्क लगा लेते हैं अपने चेहरे के ऊपर, इसका मतलब चेहरा हमारा छुप जाता है, तो मास्किंग का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। तो IP एड्रेस को हाइड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये आपको बताना है, फायरवॉल का, एंटीवायरस का, VPN का, या फिर इनकॉग्निटो मोड का। तो बिल्कुल जैसे VPN का इस्तेमाल हम लोग ने देखा था नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, अपने डेटा को सेफली ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि IP एड्रेस को छुपाने के लिए भी हम VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारे जो हैकर होते हैं वो VPN की मदद से ही IP एड्रेस को हाइड कर लेते हैं या मास्क कर लेते हैं, है ना। तो आंसर यहां पर भी क्या होगा, VPN होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक टनल बिछाई जाती है, सेफ एंड सिक्योर प्रोटोकॉल बिछाई जाती है जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है VPN के केस में। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, इट इज अ टेक्निक
used to validate the authenticity and integrity of a message, software or a digital document. कह रहा है ये है टेक्निक है जिसके थ्रू हम वैलिडेट कर सकते हैं किसी भी मैसेज की ऑथेंटिसिटी को, कि वो मैसेज ऑथेंटिक है, वो सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक है और वो डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक है. इसको एनालाइज करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए किसका यूज़ होता है? एंटीवायरस का, फायरवॉल का, इंक्रिप्शन का या डिजिटल सिग्नेचर का? तो आंसर यहाँ पर होगा डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है. डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके की मैथमेटिकल एल्गोरिथम है जिसका यूज़ किया जाता है ईमेल के केस में भी, ताकि डेटा को हम सिक्योर कर पाएं, आपका जो ईमेल पूरा प्रोसेस है ये सिक्योर हो पाए. तो ईमेल में दो तरीके की सिक्योरिटी का यूज़ होता है, एक तो है डिजिटल सिग्नेचर और दूसरी है आपकी प्रेटी गुड प्राइवेसी, जिसको PGP के नाम से जाना जाता है. तो इन दो तरीके की सिक्योरिटी का यूज होता है आपके ईमेल में. नो डाउट ये जो आपका डिजिटल सिग्नेचर फंडामेंटल है, ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर ही काम करता है, प्राइवेट की और पब्लिक की के बेसिस पर ही काम करता है. तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से डेटा को वैलिडेट करता है, ऑथेंटिक बनाता है, इंटीग्रिटी डेवलप करता है और उस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सिक्योर करता है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर. ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट एक्सेप्ट. कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बहुत ज्यादा है. बताइए, कह रहा है इनमें से सभी आपकी रियल सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेट हैं किसी एक को छोड़कर, हैकर, वायरस, स्पैम या वॉर्म. बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा स्पैम. समझ में आ गया? तो ये है आपके रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट, स्पैम नहीं है, बाकी सब आपके थ्रेट हैं. क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इन 20 क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट को रिजॉल्व करने का, यानी जो आपने डाउट है उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट से आप बैच ज्वाइन कर लीजिए. जितने भी दिन बचे हुए हैं डेली दो दो तीन तीन घंटे आप कंप्यूटर में दीजिए और आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, ये गारंटी तो मेरी है ना, ये गारंटी मेरी है. क्वेश्चन 101% वहीं से आएगा और ये आप लोग ने पटवारी के एग्जाम में भी देखा है ना, तो ये एश्योरेंस हम देते हैं. बस पढ़ना आपको है, अच्छे से लगन से पढ़िए और सिलेक्ट हो जाइए, और सिलेक्ट होने के बाद बस आप हमें एक मिठाई का डिब्बा देना मत भूलिएगा, एड्रेस आपके पास पहुंच जाएगा और मिठाई आप कोरियर के थ्रू भी दे सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच. सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.